मेरठ में दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से ही अलर्ट जारी है, तो वहीं आज जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। तो वहीं हमारी संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। दिल्ली हिंसा के बाद अब पहला जुमा पड़ा है जहां मेरठ में पहले जुमे को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है, चूंकि जुमे की नमाज अब से कुछ ही घंटों बाद होनी है। ऐसे में जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में, ये है नाले वाली चौकी, जाकर कॉलोनी चौकी है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के एतबार से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बता दूं 20 तारीख को, 20 दिसंबर को ही हिंसा चूंकि जुमे के दिन से शुरू हुई थी, और ये वही इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। पीछे आप देखेंगे यहाँ मस्जिद भी बनाई गई है, और इस मस्जिद में कुछ ही घंटों बाद बड़े स्तर पर जो अकीदतमंद है वो जुमे की नमाज अदा करने पहुंचते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। आपको बता दें कि इस बार अयोध्या फैसले की दिन की तरह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, उसी तरह जुमे पर सुरक्षा लगाई गई है, जहाँ पूरे जिले को 11 जोन, 31 सेक्टर और 62 सब सेक्टर में बांटा गया है। 186 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं, 3 कंपनी PAC और 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। संवेदनशील स्थानों पर ये रहेंगे अतिरिक्त 6 ASP, 8 CO समेत करीब 2000 पुलिस कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। और ADG प्रशांत कुमार ने साफ कहा है कि तमाम जिलों के SSP इस बार अलर्ट पर रहे, यानी कि सब कोशिश कर रहे हैं कि ये जुमा आसानी से संपन्न हो जाए। कैमरामैन सलमान के साथ मनोवर चौहान, R9 TV।